हेलो फ्रेंड्स, जैसा आप देख रहे हैं हमारे पास एक वीवो का हैंडसेट है, वीवो Y91i। और इसमें प्रॉब्लम यह है, अभी ये टोटली डेड है, डेड कंडीशन में आया है। तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप चेक किया है, तो ये वीडियो में आपको पूरा कोशिश की है बताने की कि इसमें हमने क्या काम किया है। तो ये एक डेड कंडीशन में आया है फ्रेंड्स, तो हमने चार्जर भी लगा के यहाँ पे देखा। और अभी यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको लैपटॉप के साथ कनेक्ट करके बताऊंगा क्या कुछ लोगो वगैरह आ रहा है या फिर डिस्प्ले में कुछ आ रहा है। या तो फिर आपको यहाँ पे देखिए जो ड्राइवर्स है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट V1632 COM41 बोल के इस तरह का एक ड्राइवर बन रहा है, जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा। तो इस तरह का जब ड्राइवर बनता है तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि इसको फ्लैशिंग करेंगे, और अगर फ्लैशिंग में कुछ एरर वगैरह आता है तो आप इसे प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। तो फ्लैशिंग में बहुत सारे चीज़ें चेक करने के लिए, MMC की आप प्रॉपर कनेक्टेड है कि नहीं है वो भी चेक कर सकते हैं, रीड इन्फो करके देख सकते हैं इसका। ये मीडियाटेक का सेट है, इसमें हम अगर आपके पास CM2 वगैरह है तो उसमें आप इसका MMC का हेल्थ भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे, मेरे साथ तौफिक सर है, तो तौफिक सर सबसे पहले क्या काम करेंगे इसमें? सर इसमें अभी ये हेल्थ, इसमें डेड फोन आया है तो ये ऑटो पोर्ट बना रहा है। ठीक है, ऑटो पोर्ट बनाना मतलब इसमें एक तो सॉफ्टवेयर की दिक्कत होगी या तो MMC का दिक्कत होगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करेंगे, डायरेक्टली MMC नहीं निकालेंगे। सबसे पहले यहाँ पे फ्लैशिंग में देखेंगे कि ये फ्लैशिंग हमारा स्टार्ट होता है या नहीं। अगर हमारा कोई एरर पे स्टक हो, अगर एरर पे अगर रुक जाएगा कोई भी एरर पे, तो हम उसको चेक करेंगे। अगर हमारा प्रॉब्लम वहां से नहीं सॉल्व होता है फ्लैशिंग से, तो हम इसका MMC निकाल के फिर MMC यहाँ चेक करेंगे UFI बॉक्स। तो कोई भी सेट आ जाए तो सबसे पहले बेसिक हमको उसमें शॉर्टिंग वगैरह है क्या चेक करना है। उसके बाद अगर सॉफ्टवेयर का इश्यू है तो पहले फ्लैशिंग करनी है, और फ्लैशिंग के बाद में प्रोग्रामिंग के लिए जाना पड़ेगा। हाँ, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले फ्रेंड जुड़े रहिए, यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लेके चलता हूँ आपको। सबसे पहले इसको करेंगे फ्लैश, तो फ्लैश करने के लिए हम यहाँ पे इसका टूल ओपन करेंगे, फ्लैश टूल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम टूल ओपन करेंगे, और यहाँ पे मेरे पास फाइल वीवो Y91 का यहाँ पे फ्लैश फाइल भी आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट करके रखा हूँ। जैसे कि यहाँ पे मेरा फ्लैश फाइल है, इसमें मीडियाटेक का फाइल होता है, स्कैटर फाइल। तो हम ये फाइल से पहले फ्लैशिंग करके देखेंगे सबसे पहले। तो डेस्कटॉप पे मेरा इसका टूल, फ्लैश टूल है मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने टूल ओपन कर दिया, और यहाँ पे मैं सबसे पहले उसकी फ्लैश फाइल को लोड कर देता हूँ यहाँ पे वीवो में Y91i। उसके बाद यहाँ पे ये फाइल को हम सिलेक्ट कर लेंगे, और उससे पहले हमें एक बार CPU को बाईपास करना होता है, क्योंकि कुछ फोनों में लेटेस्ट जो होता है वो सिक्योरिटी की वजह से वो फ्लैशिंग स्टार्ट नहीं करता। तो हमें सबसे पहले CPU को बाईपास करना रहता है यहाँ से, ये टूल से। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे सबसे पहले पोर्ट चेक कर लेंगे हम, यहाँ पे बाईपास पे क्लिक करके रखेंगे। यहाँ पे वेटिंग फॉर ब्रोम बता रहा है, तो सबसे पहले हम फोन को कनेक्ट कर लेंगे, तो ये आपका ड्राइवर कनेक्ट कर लेगा। सबसे पहले यहाँ पे फोन को कनेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मेरा पोर्ट बना दिया, मैं यहाँ पे स्टार्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन डिसेबल हो गया, तो ये सबसे पहले करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर ये अगर आप नहीं करेंगे तो फ्लैशिंग स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद हम यहाँ टूल पे आ जाएंगे, टूल पे आने के बाद यहाँ फाइल लोड हो गया। अब यहाँ पे डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ देखेंगे हमारा फ्लैशिंग स्टार्ट होता है या नहीं होता है। अगर यहाँ पे आपको चिपसेट इंफॉर्मेशन बताएगा तो समझना हमारी MMC ओके है और हमारा फ्लैशिंग स्टार्ट होगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं बताएगा, जैसे कि यहाँ पे चिप इन्फॉर्मेशन बताएगा, तो अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं शो कर रहा है, इसका मतलब ये एक तो MMC डिसकनेक्टेड है या एक तो MMC डेड है। तो ये कारण हो सकता है इसका, अगर फ्लैशिंग अगर सॉफ्टवेयर से इशू होता तो यहाँ पे इसका इन्फॉर्मेशन बताता, लेकिन अभी यहाँ नहीं बता रहा है। तो अभी इसका इसे खोलेंगे हम, तो इसका अभी MMC निकाल के ही देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिखाना चाहिए था लेकिन नहीं दिखा रहा है। इसका मतलब हमारा MMC से प्रॉब्लम है, प्रॉपर कनेक्ट नहीं होने की वजह से। रैम के पिन हो सकता है कनेक्टेड नहीं हो, या रोम के पिन इसके कनेक्टेड नहीं हो, तो यहाँ पे ये फ्लैश भी नहीं होगा, क्योंकि ये सेट जो आया डेड कंडीशन में आया, हो सकता है ड्रॉप डाउन केस है या तो फिर आपका ये IC ही ख़राब है टोटल। चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले IC को निकाल लेते हैं और निकाल के क्लीन करते हैं, ब्लैक पेस्टेड IC है। तो वीडियो में बने रहिए, बिल्कुल स्किप मत करिए।
कैसे चेंज किया जा सकता है। तो ये एक पुराना वाला ईमेल थी, यहाँ पे कनेक्ट करके बता देते हैं आपको। एक बार यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेंगे एमएमसी को, देखेंगे हमारे एमएमसी में क्या दिक्कत है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करवाएं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना आपको आईसी यहाँ पे जब डिटेक्ट हो गया है इस तरीके का एरर आ रहा है, जो कि हमारा एमएमसी टोटली डेड है। ठीक है, ये आपके एमएमसी डेड के कारण ये सारे चीजें पूरे एरर्स आने लग गए और ये आपका एमएमसी टोटली डेड है। तो अभी हमें इसके लिए एमएमसी चेंज वाला प्रोसेस करना पड़ेगा। तो चेंज प्रोसेस के लिए हमें सबसे पहले कॉम्पिटिबल एमएमसी लेना होता है। अब कॉम्पिटिबल लेने के लिए आपको दो तीन तरीके होते हैं, जैसे कि एक फोन माइक्रो डीबीसी लेते हैं, दूसरा मीडियाटेक की फाइल डालने के बाद आपको यहाँ पे बताता है प्रीलोडर से जहाँ की आपको कौन सी एमएमसी लेना है। तो हमारे पास दो तीन तरीके हैं, हम एक बार इसको यहाँ पे एक बार एमएमसी कॉम्पिटिबल देखेंगे कौन सा हमें चाहिए। तो एक बार फैक्ट्री इमेज में आएंगे और यहाँ पे हम फाइल को मीडियाटेक सेलेक्ट करेंगे और इसके अंदर फ्लैश फाइल डालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इशू यहाँ पे बता रहा है नो स्टोरेज आईडी इंफॉर्मेशन। तो इसका हम एक काम करेंगे, इजी जेटेक से इसका इंफॉर्मेशन लेंगे, जो हमारा वहां पे एक ऑप्शन आता है। अगर UEFI बॉक्स में अगर से प्रॉपर नहीं बता रहा है कि दूसरी एमएमसी कौन सी लगाए, तो हम जेटेक बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको ये दोनों बॉक्सेस रखने होंगे, किसी एक बॉक्स पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। ये शो क्यों नहीं कर रहा तौफीक सर? कुछ फाइलें UEFI के अंदर कुछ शो नहीं करता, तो उसके कारण हमें एक बार इजी जेटेक से भी ट्राई करके देखना रहता है। तो और भी एमएमसी चेंज के चेक करने के बहुत सारे प्रोसेस है जो कि क्लास में बताएंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं जेटैक के अंदर भी हम यही इसकी मीडियाटेक का कोई भी हैंडसेट का जो फाइल होता है उसके अंदर ही उसके प्रीलोडर के अंदर उसका कंपेटिबिलिटी आईसी बताता है। तो यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे मैं टूल ओपन कर दिया, उसके बाद यहाँ पे यूटिलिटीज में आएंगे और यहाँ पे प्रीलोडर पार्सर बोल के एक जो ऑप्शन होता है, इसमें हमें से फाइल को लोड करके यहाँ पे आप कंपेटिबल चेक कर सकते हैं। मैं आपके आपके सामने लाइव बताऊंगा कि यहाँ पे मुझे फाइल लोड करके कैसे चेक करना है कंपेटिबल कौन सा चाहिए। तो यहाँ पे मैं आऊंगा Vivo 91 और यहाँ पे प्रीलोडर ये उसका फाइल होता है जिसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। तो यहाँ जैसे ही सिलेक्ट करने के बाद वहां पे आपको दिखाएगा ये सारे आपको एमएमसी कॉम्पेटेबल बता रहे, सारे ब्रांड्स बता रहे, यहाँ पे बता रहा है एसके हाइनिक्स के दो आईसी लगेंगे, बाकी के यहाँ पे सैमसंग का एमएमसी लगेगा। तो इतने सारे आप एमएमसी यहाँ से कॉम्पेटेबल लगा सकते हैं, जो कि अभी UEFI में इस तरह से शो नहीं कर रहा था। तो जेटैक यहाँ पे हमको काम में आया है। तो हमारे पास यहाँ पे एक दूसरा आईसी है सैमसंग का, जो कि हम इसमें लगाएंगे। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा आपको, तो यहाँ पे मेरे पास एक सैमसंग का एमएमसी है जो कि मैं इसका कॉम्पेटेबल कॉम्पेटेबल उसमें हाँ कॉम्पेटेबल है, इसमें उसका नंबर है, मैं आपका नंबर बताऊंगा इसका। इसमें जब डिटेक्ट करेंगे तो मैं आपको एक बार डिटेक्ट करके बताता हूँ। तो ये नंबर आपको कैसे चेक करना है, तो हमारे पास इसमें से एक सैमसंग का आईसी हमारे पास कंफर्टेबल है और हम वो वही वाला आईसी लगाएंगे। तो देखते हैं इसमें इसका पार्ट नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं नेम के पास पार्ट नंबर लिखा हुआ है। आपको यहाँ पे लाइव सामने आईसी डिटेक्ट करके बताऊंगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले आईसी को कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे आईसी को कनेक्ट कर लिया और जैसे कि ऊपर आने के बाद यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे मेरे आईसी कॉम्पेटिबल है और मेरी आईसी का नंबर यहाँ पे आया QE63MB। ये जो नंबर है मुझे यहाँ पे ये एमएमसी मिल गया है, जैसे कि ये मेरी कॉम्पेटिबल एमएमसी होती है। तो यहाँ पे मैं ये एमएमसी को इसको पहले फॉर्मेट करके ये मतलब दूसरे सेट से निकाला हुआ था, इसको मैं पूरा वैसा इरेज करके इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करूंगा, इसमें डम डालूंगा सबसे पहले। तो मैंने आपको यहाँ सबसे पहले यहाँ पे प्रोसेस एक टेक्स्ट में प्रोसेस बताया है। सबसे पहले आपको कॉम्पेटिबल एमएमसी लेना पड़ेगा, उसके बाद एक डंप है 16 MB का, वो राइट करना पड़ेगा। राइट करने के बाद इसमें पार्टीशंस आ जाते हैं इसके, और उसके बाद हमें नॉर्मल फाइल से फ्लैश करके यहाँ पे सेट को हम डायरेक्टली लाइव ऑन करके बताएंगे। तो ज्यादा बड़ा स्टेप नहीं है, बहुत ईजी वे है इसको बताने का। पुरानी एमएमसी को सबसे पहले हम फॉर्मेट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से इसको इजी डेक से फॉर्मेट कर लेंगे, एडवांस में आके यूनिवर्सल फैक्ट्री फॉर्मेट कर लेंगे। और यहाँ पे हम फिर से एमएमसी को चेक लगाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एमएमसी को।
जैसे कि फ्रेंड्स अभी आपने देखा कि एक मीडियाटेक में या फिर कोई भी हैंडसेट में दूसरी EMMC कैसे ढूंढना है, ये हमने बताया। अभी मीडियाटेक CPU अगर हो तो इस प्रोसेस से आप बहुत ही इजीली आप दूसरी EMMC चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आपके पास वो EMMC अगर नहीं भी है तो इस मेथड से कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने फैक्ट्री रीसेट कर लिया है, उसके बाद इसमें डंप डालेंगे, उसके बाद इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, फ्लैशिंग करेंगे और पूरा वीडियो एंड तक देखिए, स्किप मत करिए, पूरा सेट ऑन करके बताएंगे। तो सर मैं इसको यूपी से अभी प्रोग्रामिंग करके बताऊंगा पूरा पूरा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बॉक्स को कनेक्ट कर लिया, यूपी बॉक्स को। फिर मैं यहाँ से एक बार वापस ये जो हमारा कॉम्पिटेबल EMMC है, मैं इसको फिर से यहाँ से आइडेंटिफाई कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे मेरी IC डिटेक्ट हो गई है, जिसके अंदर फॉर्मेट हो गया और RPM भी क्लीन है। लेकिन एक इसमें ये बात होती है कि मीडियाटेक के अंदर RPM का रहना या नहीं रहना कोई इससे इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। मतलब मीडियाटेक आपका RPM हो या ना हो इससे कोई दिक्कत नहीं है। आप RPM क्लीन नहीं भी करेंगे, कंफर्टेबल EMMC होनी चाहिए, कंफर्टेबल EMMC होना चाहिए। पार्ट नेम, इसका जो प्रोडक्ट नेम होता है, जैसे QE63 मैंने अभी आपको बताया था, जो कंफर्टेबल मैंने लिया, ये आपको लेना होता है। इससे आपका EMMC कंफर्टेबल हो जाता है। इसमें आपको सिर्फ बस कंफर्टेबल लेके फाइल डाल के ऑन करना है। मीडियाटेक के अंदर बहुत सिंपली स्टेप होता है। तो अभी यहाँ सब हमें कितने GB की लगाया सर अभी EMMC? यहाँ पे 16 GB का IC है, 16 GB का EMMC। ठीक, आप इसको ऐसा नहीं है कि आप 16 GB, आप 64 GB भी लगा सकते हैं। सिर्फ कॉम्पेटेबल उसका EMMC होना चाहिए। अगर उसमें कॉम्पेटेबल में अगर उसका नंबर आता है तो आप 64 GB, अगर 64 का भी आपके पास है तो आप लगा सकते हैं इजीली, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फोन को या IC को हमने यहाँ डिटेक्ट कर लिया UFI बॉक्स में, और इसको हम डंप सबसे पहले इसका स्टेप वन करेंगे। स्टेप वन में हमको डंप राइट करना है इसका। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे डंप है 16 MB का। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ये डंप को राइट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे टूल ओपन कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे वन बाय वन फाइल को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक फर्स्ट नंबर पे EXT/CXD फाइल को लोड कर लिया। ठीक है, उसके बाद यूजर एरिया को मैं यहाँ पे लोड कर लेता हूँ। उसके बाद बूट वन और हमारा लास्ट में है बूट टू। तो ये हमारे चार फाइलें होती है UFI के बॉक्स की। अब यहाँ पे हम सिंपली इसको राइट कर लेंगे डम को। यहाँ पे डंप राइट हो रहा है। हाँ, तो यहाँ पे हमारा डंप राइट हो गया। 16 MB का जो डंप था वो हमारा यहाँ पे राइट हो गया। हम इसको वापस से आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक बार। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फ्लैश फाइल को फ्लैश करना, फ्लैशिंग करना यहाँ से हमें। तो हम फिर से आते यहाँ पे बैक कर लेते हैं, और यहाँ पे हमारा फाइल को एक्सट्रैक्ट करके ऑलरेडी रखा हुआ है, जो कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PD1818HF, ये जो हमारा इसका प्रोडक्ट नेम है जो फ्लैशिंग का। तो हम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेते हैं फ्लैश फाइल। तो UFI में हम जाएंगे फैक्ट्री इमेज में, और यहाँ पे हमें लेंगे मीडियाटेक को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे स्कैटर फाइल को लोड कर लेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करके राइट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा फ्लैशिंग स्टार्ट हो गया। तो फिर सर ये बताइए, ये जो डंप रीड राइट करे, ये बच्चों को क्लास में आने के बाद बताएंगे टेस्टेड डंप कहाँ से निकालना है, कैसे निकालना है, क्या है। हम ये सारे फाइलें स्टूडेंट को भी फ्री में देते हैं, हम यहाँ पे डाटा देते हैं हार्ड डिस्क में, और प्लस आपको कहाँ से भी डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, उसका कैसा आपका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, कौन सा पेड वेबसाइट अच्छा रहेगा, वो सारी चीजें हम यहाँ पे बताते हैं। EMMC चेंज MI में, हाँ MI के अंदर भी हम सब पूरा प्रोसेस बताते हैं। फाइलें भी हम पूरा देते हैं, सारे EMMC चेंज फाइल देते हैं, प्रोग्रामिंग फाइल देते हैं, फ्लैश फाइल देते हैं, ये डाटा हम फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। जितने इंडिया के अंदर MI के EMMC चेंज होती है रेडमी की सीरीज के या MI सीरीज के, उतने सारे सब हम यहाँ पे करके बताएंगे और उसके फाइल्स भी देंगे सब। यस सर, ठीक। तो ये हम पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट में फाइल देते हैं, किसी को चार्ज नहीं लगाते। सॉफ्टवेयर में बताइए तौफिक सर क्या क्या सिखाएंगे बच्चों को, जैसे ये तो EMMC की बात हो गई, तो सॉफ्टवेयर में क्या क्या सिखाएंगे? जैसे कि मेरे क्लास में सबसे पहले मैं सॉफ्टवेयर का क्लास लेता हूँ। सॉफ्टवेयर के अंदर आपको चारों CPU का मैं बारे में बता दूं, जैसे कि मीडियाटेक, क्वालकॉम, स्पेड्रम, सैमसंग का, ज़ाइनॉक्स का CPU है। ये सारे चारों CPU के बारे में मैं फ्लैशिंग के बारे में बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप।
और आपको जैसे कि इरस में जितने भी प्रॉब्लम्स आते हैं सारे, मैं तो फ्लैशिंग तो स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ इजीली, लेकिन जैसे कि बहुत सारे लोगों की रीजन ये होती है, सर हम YouTube से तो देख लिए फ्लैशिंग सीख लिए, लेकिन उन लोगों को प्रॉपर वे नहीं मालूम है, फोन बंद हो जाता, एरर आ जाता, या तो डेड हो जाता, या जैसे तो कि एरर सामने आने के बाद उन लोग परेशान हो जाते, डर जाते हैं कि ये काम अभी फोन डेड हो गया इसे अब चालू कर नहीं कर सकते, तो ऐसे सारे चीजें इन लोगों को डर लग जाता है। तो हम यहाँ पे ये सारे एरर्स को क्लियर करते हैं, ये सारा जो डर होता है स्टूडेंट का हम पूरा डर निकाल देते हैं। कोई भी डेड रिस्क का प्रॉब्लम हम जो भी वो समझते हैं कि डेड रिस्क होगा, तो ऐसा कुछ भी डेड रिस्क नहीं है, हम डायरेक्टली उसको बिना डेड रिस्क काम कर सकते हैं। तो सारे एरर्स में बता देता हूँ, सारे एरर्स में क्या क्या इशू, कैसे कोई भी आंसर है, फ्लैशिंग विदाउट एमएमसी हम उसको निकाले भी हम बता सकते हैं कि इसमें एमएमसी का क्या इशू होगा, ये एमएमसी में हेल्थ प्रॉब्लम है, या एमएमसी डैमेज है, या एमएमसी का पार्टीशन चला गया, ये सारी चीजें हम विदाउट एमएमसी भी बता सकते हैं। तो एफआरपी कैसे निकालना है, अनलॉकिंग कैसे करना है, फॉर्मेट एफएस कैसे करना है, विदाउट डाटा लॉस कैसे करना है, किसी का डाटा बचाना है तो उसका स्टेप कैसे है, सारा हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। पहले फ्लैशिंग के चार दिन में हम ये सारी चीजें बताते हैं। एमएमसी में क्या क्या फॉल्ट ज्यादातर आते हैं सर? तो एमएमसी के अंदर जैसे कि आपका प्रोग्रामिंग प्लस उसके अंदर हेल्थ प्रॉब्लम आता है, उसके साथ साथ डेडबुड का आता है, डेडबुड के साथ साथ आपका रिपार्टीशन होता है, फिर एमएमसी चेंज का प्रोसेस। आपको ऐसे पांच स्टेप एमएमसी के अंदर बताएंगे कि एमएमसी कैसे हमें रिपेयर करना है और कैसे 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 इसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करना है। आपको बहुत इजीली बना सकते हैं सर, बहुत इजीली आप यहाँ पे एमएमसी की क्लास में इतना इजी हो जाएगा कि आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ 5 साल से 10 साल से काम कर रहे होंगे इसके ऊपर। इजी मेथड में बहुत इजी, जो 10 साल का टेक्नीशियन 5 साल का टेक्नीशियन होगा आप उसके लेवल में काम करेंगे। यहाँ पे आप अगर मेरे जो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं जैसे प्रोसेस बताऊंगा सॉफ्टवेयर से लेके एमएमसी की क्लास तक आप ये सारे फॉलो करेंगे तो आपको एक लेवल मिल जाएगा काम करने का, और आपको कभी भी किसी की कोई चीज की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही सारे काम कर सकते। क्लास में कुछ सेट्स लेके आ सकते बच्चे, लोगो वाले सेट है एमएमसी के, एमएमसी से रिलेटेड आप 10 फोन लेके आ सकते, 15 फोन लेके आ सकते, कोई इशू नहीं है, हमारे पास ऐसे कोई लिमिट नहीं है कि आप इतनी लाओ उतनी लाओ। आपके ऊपर आपके पास जितने प्रॉब्लम जितने भी प्रॉब्लम के फोन होंगे जो आपके पास एरिया में काम नहीं हो रहे आप वो फोन लेके आ सकते हैं यहाँ पे, आपके सामने आपके फोन लाइव आपसे ही रिपेयर करवाएंगे, आपको पहले स्टेप बताएंगे और आपसे ही करवाएंगे सारे फोन। बहुत इजीली कर सकते हैं, बहुत इजीली करेंगे आप। EFI और EZ-Tech दोनों भी चला सकते हैं, दोनों बॉक्स को हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे आपको रिपेयर करना है। हमारे पास दोनों बॉक्स होता है तो दोनों बॉक्स में कैसे प्रोग्रामिंग करना है सारे चीज आपको बताएंगे। EFI हो या EZ-Tech हो, बहुत सारे लोगों को EZ-Tech हार्ड लगता है सर, इसमें 4 टूल होते हैं, बहुत सारे इसमें टैग्स होते हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर ये EZ-Tech सीखना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन मैं आपको 2 दिन के अंदर ये क्लास का ऐसे मैं तुमको यहाँ पे स्टेप बताऊंगा कि आप 2 दिन के अंदर ऐसा लगेगा 10 साल से आप काम कर रहे हो, इतना इजी करूंगा इसका। तो इतना मतलब इसका नाम EZ-Tech इसलिए रखा गया, इजी में काम हो जाएगा आपका। अच्छा, लोग समझते ये हार्ड है लेकिन मैं आपको ये सारे स्टेप इजी में बताऊंगा। शुरू के 4 दिन आपका सॉफ्टवेयर क्लास, उसके बाद में फुल 5 दिन पूरा एमएमसी की पूरी 5 दिन 10 घंटा क्लास रहती, उसमें इजीली वो कर सकते हैं ना इतना। यस सर, ठीक है, ये फ्लैशिंग हो रहा है, इसके बाद क्या है सर प्रोसेस? सर इसके बाद यहाँ पे इसको आइडेंटिफाई करके इसमें हमें इसके बाद फिर आईसी को निकाल के बोर्ड में लगाएंगे और हमें सिंपली फोन ऑन करेंगे। ठीक है, वीडियो पूरा एंड तक देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, थोड़ा राइट होने में टाइम लेगा, आपका भी टाइम इसमें बचेगा। नेक्स्ट बैच हमारा 5th May से है, चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज करके डिटेल ले सकते हैं या कॉल कर सकते हैं हमें। सो यहाँ पे इसकी फ्लैशिंग डन हो गई है, यहाँ पे 0 into 48 इसका बूट कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहाँ पे डन हो गया। एक बार हम इसे आइडेंटिफाई एमएमसी कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सर फ्लैशिंग फाइल बता रहा है, एंड्रॉइड सिस्टम इन्फो बता रहा है, इसमें MediaTek Vivo 1820 का मॉडल है और यहाँ पे हमें सिंपली इसको बस रिमूव करना है और हमें इसे बोर्ड में लगाना है। तो यहाँ पे हम इसे लाइव बोर्ड में लगा के बताएंगे आपको। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका एमएमसी हम सबसे पहले लगा लेंगे
और लगा के चेक करते हैं कि हमारा हैंडसेट है कि वो ऑन होता है कि नहीं होता है। जैसा आपने देखा इस वीडियो में हमने ये बताने की कोशिश की है कि मीडियाटेक का जो लेटेस्ट हैंडसेट है उसमें कैसे आप EMC को चेंज कर सकते हैं। ये तो एक हैंडसेट का हमने बताया आपको, और भी बहुत सारे हैंडसेट होते हैं, सब में कुछ ना कुछ एक अलग प्रोसेस होता है जिसके लिए आपको ज्वाइन करना पड़ेगा फ़ोन पिच हैदराबाद, जहाँ पर आपको हम एक प्रॉपर वे में आपको बताएंगे अगर आपको अच्छे से सीखना है तो। चार्जर लगा दो क्या, थोड़ा ऊपर उठा के बताओ फोन फिक्स के पास। देखेंगे अभी यहाँ पे फर्स्ट लोगो आ गया, फोन अभी ऑन हो गया। यहाँ पे सेकेंड लोगो भी आएगा सर, जैसे कि मेरा फोन अभी बूट कर रहा है, ये पहले फर्स्ट लोगो पे स्टक हुआ, उसके बाद सेकेंड लोगो पे आ गया, अब यहाँ पे मेरा फोन ये ऑन हो रहा है। तो ऐसे आप EMMC चेंज इजी मेथड में कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले छोटा सा MB का डम डालना पड़ता है, उसके बाद उसका एक रूम डाल के आप उसको फ्लैश करके ऑन कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आपने देखा स्टेप बाय स्टेप पूरा फुल प्रोसेस हमने बताया आपको कि एक लेटेस्ट MediaTek चिपसेट जो है उसमें आप ओनली EMMC को कैसे चेंज कर सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर दें। और थोड़ा सा वेट करना होगा आपको क्योंकि हमने EMMC को चेंज किया है तो ये ऑन होने थोड़ा सा टाइम लेगा। तो आप देख सकते हैं कैसा हमने यहाँ पे आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, एक लेटेस्ट हैंडसेट है ये वीवो का जिसमें हमने अभी EMMC चेंज की है, एक कंफर्टेबल EMMC हमने यहाँ पे डाली और इसको एक प्रोग्राम करके आपको ऑन करके बता रहे हैं। इस तरह से अगर आपको सीखना है ज्वाइन कर सकते हैं फ़ोन फिक्स हैदराबाद, डिस्प्ले पे नंबर दिया गया है, नेक्स्ट बैच 5 मई से है। अपना सीट अगर बुक कराना है व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि हमारे पास कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा। एक कंप्लीट कोर्स होता है, पैकेज होता है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर और EMMC का, जिसमें 20 दिन की क्लास होती है हमारी, रहने के लिए रूम फ्री होता है, मदरबोर्ड्स आपको देंगे प्रैक्टिस के लिए और एक अच्छे एनवायरनमेंट में आपको सिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप फ्रेशर है, पहले से काम नहीं करते हैं, सिर्फ ग्लास वगैरह का काम करते हैं, टच वगैरह का, तो भी आप आ सकते हैं, या फिर पहले से काम कर रहे हैं तो भी आप आ सकते हैं। एडवांस लेवल का चिप लेवल का ट्रेनिंग होगा जिसमें सर्किट डायग्राम प्लस हैंड स्किल का काम आपको सिखाया जाएगा। ये वीडियो आप देख रहे हैं फोन फिक्स हैदराबाद की टीम की तरफ से, ऐसे सॉल्यूशंस हम लेकर आते रहते हैं हमारे चैनल पर, हर 2 दिन में एक बार आपको एक नया वीडियो देखने मिलेगा, चाहे वो सॉफ्टवेयर रिलेटेड हो या EMMC प्रोग्रामिंग के रिलेटेड हो या फिर हार्डवेयर का कोई फॉल्ट हो। हम कोशिश करते हैं बच्चों को कि एक प्रॉपर वे में हर चीज सिखाई जाए ताकि आपको पास अगर इस तरह के प्रॉब्लम आए तो आप इजीली उसे रिपेयर कर सकते हैं। ये हैंडसेट फ्रेंड्स थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग किए हैं तो आपको लगेगा कि ये लोगों पर तो नहीं रुक गया है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। इस तरह के MI वगैरह के भी आप जितने भी इंडिया के अंदर EMMC चेंज होते हैं सारा सब कुछ हम बताते हैं यहाँ पे, फाइल्स वगैरह सब फ्री देते हैं, कोई एक्स्ट्रा फाइल का चार्ज नहीं होता है हमारे यहाँ पे, कोई मदरबोर्ड्स का चार्ज नहीं लेते हैं, आपको जो भी है फाइल वगैरह फ्री दी जाती है MI वगैरह EMMC चेंज की।
और टेस्टेड फाइलें होती हैं, कुछ टेस्टेड डंप होता है MMC चेंज वगैरह का, जो कि हम आपको अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, हमारे पास से हार्ड डिस्क वगैरह अगर आप लगाते हैं तो उसे ले सकते हैं। तो एक प्रोफेशनल वे में आपको ट्रेनिंग देंगे, जहाँ पे आप जाकर के आपका जो काम है वापस नहीं जाएगा, आप उसे अच्छे से रिपेयर कर सकते हैं। ये ऑन होने थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम बूट हो रहा है, 5 to 10 minutes के अंदर ये टाइम लेगा बूट होने के लिए, तो थोड़ा सा टाइम। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं हमारा मेन इसका मेनू आ चुका है, चलिए सेट कर लेते हैं। तो जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा हैंडसेट पूरी तरह से ऑन हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे टेक्नीशियन भाइयों तक ये वीडियो पहुंचे। वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे अपना प्यारा सा कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।